नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। सैन्य परंपरा में उत्तराखंड के नाम एक और गौरव जुड़ा है। देश को पहला सीडीएस देने वाले इस राज्य से अब एक महिला अधिकारी के रूप में पहली सैन्य कमांडर मिली है। कर्नल गीता राणा ने की पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सटे क्षेत्र में तैनात स्वतंत्र फील्ड बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी को बतौर कमांडर इस तरह की कमान सौंपी गई है। बता दें कि हाल ही में सेना ने महिला अधिकारियों को भी कमांडर की भूमिका में तैनात करने की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से मिली थी। कर्नल गीता इस उपलब्धि को पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। वर्तमान में वो कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में तैनात है। साथ ही कर्नल गीता राणा मूल रूप से चमोली जिले के नारायण बगड़ विकासखंड के केवर तल्ला गाँव की रहने वाली है। हालांकि उनका मायका पौड़ी जिले पोखार के डंगू दुगड्डा में है। उनके पिता कृपाल सिंह राणा सेना की महार रेजिमेंट से कैप्टन रैंक से रिटायर हुए हैं। पिता फौज में तैनात थे तो उनका परिवार बाहर ही रहता था। कर्नल गीता का जन्म लुधियाने में हुआ था। वर्तमान में उनके माता पिता बरेली में निवास करते हैं। बता दें कि कर्नल गीता का विवाह नारायण बगड़ के केवर तल्ला गांव निवासी सिद्धार्थ नेगी से हुआ था। वो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती करने के साथ ही मोटे अनाजों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं कर्नल गीता को सेना में बतौर पहले महिला कमांडर की जिम्मेदारी मिलने पर उनके ससुराल केवर तल्ला समेत पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। साथ ही गांव की प्रधान पुष्पा देवी, विधायक प्रतिनिधि दलीप सिंह नेगी समेत कई लोगों ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। साथ ही ग्रामीणों ने उनकी इस कामयाबी पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न भी मनाया। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।